नमस्कार, साई ग्लोरियस एंटरटेनमेंट दिल्ली के द्वारा ग्लोरियस मिस एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड बिहार चैप्टर 2022 का ग्रैंड फिनाले अनिशा पाठ के होटल पाटलिपुत्र कॉन्टिनेंटल में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार की महिलाओं को उत्थान और उज्जवल भविष्य देना है। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस उनका गुप्ता, लेखक निदेशक अविनाश कुमार, दिल्ली के डिजाइनर सचिन एवं प्रशांत मौजूद थे। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ग्लोरियस मिस एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड बिहार चैप्टर 2022 का कार्यक्रम का आयोजन कई वर्षों से बिहार की महिलाओं के हित के लिए किया जा रहा है। साई ग्लोरियस ऑफ एंटरटेनमेंट के निदेशक अंजू कुमारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्ट्रेस उल्का गुप्ता ने कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से आए महिला और सभी क्षेत्र से महिलाएं इस क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाना चाहती है, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे बिहार आने का मौका बहुत कम मिला है। पापा व्यस्त रहे मुंबई में, मैं व्यस्त रही, वहीं पे पली बड़ी हूँ। बट बहुत अच्छा लगता है जान के कि मैं पटना को बिलोंग, बिहार को बिलोंग करती हूँ। पटना मैं अब तक 3 बार आ रही, मैं तीसरी बार आ रही हूँ और अच्छा लग रहा है। शोज़ करती रहती हूँ, पटना हर साल देखूँ तो और ज़्यादा विकसित होते रहता है। और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अंजू जी ने इतना बड़ा पैजेंट रखा है, मिस एंड मिसेज इंडिया, विच इज़ अ वेरी ग्लैमरस थिंग फॉर पटना। बहुत अच्छी बात है, कितनी बिहारी औरतों को मौका मिल रहा है कि अपनी ग्लैमर, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सकें, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। मैं वापस उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि देखिए, खुद इतनी प्यारी, सुंदर, सुशील और इतनी कॉन्फिडेंट लेडी हैं हमारी अंजू जी, और कितनी दूसरी औरतों को सशक्त कर रही हैं। तो औरतों की सशक्तता का मतलब सिर्फ हमेशा एजुकेशन अलग नहीं है, या उनको अच्छी नौकरी होना अलग नहीं है, या उनका सिर्फ बुलंद होना या सिर्फ खूबसूरत होना नहीं, सभी चीज़ें साथ में हों तो तब जाके वो एक पूरी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी मानी जाएंगी। तो उन सभी को इस मंच पे मौका मिल रहा है, हम सभी को मिल रहा है उन्हें देखने का, वरना हम नहीं जानते थे बिहार में इतना टैलेंट है। और अच्छा लग रहा है जब इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत बिहारी औरतें गांव से, छोटे छोटे शहरों से, बड़े शहरों से यहाँ पे आई हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मैं मुंबई से अगर पटना आई हूँ तो इतने इतने प्यारे अवसर के लिए, इतने अच्छे अवसर के लिए आई। सबसे बड़ी बात है कि गांव से जो उस महिला को कोई जानता नहीं, वहां उस महिला को यहां ला करके आपके रैंप पर उतार लिया। गांव से महिलाओं को गांव में कोई जानती नहीं, उनको आप यहां ला करके उसको निखार कर गए और ये रैंप पर उतार लिया। ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स मना करते थे, मतलब फैशन और ग्लैमर्स को लेकर वो लोग थोड़ा नेगेटिव सपोर्ट होते थे, लेकिन मोटिवेट करने पर, समझाने पर, इनकी खूबी को बताने पर सब समझ जाते हैं।